क्या बात है? बोले तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। श्याम बोले कौन ढूंढ रहा है? बोले तुम्हें, तुम नहीं जानते? बोले हम नहीं जानते। बोले हम बताते तुम्हें कौन ढूंढ रहा है। और बोला मन सो तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है घन एक लड़की सुंदर सुंदर बन ढूंढ रही है। गोरी गोरी अरे गोरी 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 उसका नाम राधा है। और जो राधा को नाम सुनो, कन्हैया कहने लगे मन सुखा तूने इतनी देर कर दी नाम बताने में, राधा किधर को गई? बोले भैया बरसाने की तरफ गई है, भगवान को चैन नहीं आया। दौड़े दौड़े पीछे पीछे भागी राधा की, राधा की और कन्हैया की एक मुलाकात एक रास्ते पर हो गई। श्याम सुंदर कहने लगे क्या क्या नाम है तुम्हारा? राधा कहने लगी हमारा नाम राधा है। कन्हैया कहने लगे हमारा नाम कृष्ण है। सोई राधा कहने लगी क्या श्याम तुमने इतनी देर कर दी हमसे मुलाकात करने में? दोनों प्राणी रास्ते पर खड़े खड़े बतलाने लगे राधा और कृष्ण, और बतला दे रहे राधा। थोड़ी देर बाद कहने लगी श्याम अब संध्या को समय आए होने को आओ और हम घर जा रहे हैं। कन्हैया कहने लगे पागल हो, जब तुम हमारे यहाँ गांव तक आ गई तो हमारा घर देख जाओ। बोले चलो। अब राधा और कन्हैया यशोदा की दरवाजे पर पहुंच के दरवाजा खटखटा दिया। अरे यशोदा, जो यशोदा ने दरवाजा खोला, कन्हैया को गोद उठा दिया। बोले नाना आप तो बहुत जल्दी आ गए। और जो सुंदर सी लली को देखो, यशोदा कहने लगी रे क्यों लला, जितनी सुंदर लली कहां से लेके आऊं? कन्हैया बोले मैया तुम ऐसा जे कीर्ति की लली है, इतनी मीठी मीठी बात करो करती है, इतनी मीठी बात करती है, इतनी मीठी बात करती है, मत गायन के मुंह में मिठाई को शरबत भर के रख दो। और जो कीर्ति को नाम सुनो, यशोदा ने लला को तो नीचे रख दो और राधा को गोद उठा लो। बोले लली तुम्हारो का नाम है? बोले पापा को नाम का है। और सर पे हाथ फिराने लगी तो राधा कहने लगी सुनो मैया, राधा बोली प्रसुभानु पिता, जो परेशानी में रहते मैया को नाम कीर्ति है और राधिका कहते हैं। राधा बोली रसदार पिता, जो परेशानी में रहते मैया को नाम कीर्ति है और राधिका कहते हैं। बोले मैया।